वेलकम बैक टू तो चैनल कैसे हैं आप सब मैं आप लोग के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ जो कि मोटोरोला वॉशिंग मशीन के ऊपर ये फुल वीडियो बेस्ड है फ्रंट लोड ये फुल फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है मोटोरोला 10.5 पॉइंट के जी स्मार्ट वाईफाई इनेबल स्ट्रीम वॉश इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड विथ इन हीटर ग्रे अवेलेबल साइज की बात कर लेते हैं हम तो ये साढ़े छः किलो में अवेलेबल है एट के जी में भी अवेलेबल है और टेन पॉइंट फाइव के जी में भी अवेलेबल है ये इसे काफ़ी लोगों ने परचेस किया है फ़ोर पॉइंट फाइव रेटिंग्स मिली है इसे सात हज़ार चार सौ सैंतीस लोगों ने इसे रेटिंग्स दी है साढ़े चार की ये वॉशिंग मशीन मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेस किया है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया आप वहाँ से भी इसे परचेस कर सकते हैं इसकी प्राइस की हम बात कर लेते हैं तो ये जो आ, पड़ा है वॉशिंग मशीन पच्चीस हज़ार नौ सौ नब्बे रुपये में समझ लीजिए आप छब्बीस हज़ार की वॉशिंग मशीन है इसका रियल प्राइस की हम बात कर लेते हैं तो इसका रियल प्राइस है वो सिक्सटी फोर हज़ार नाइन नाइन ट्रिपल नाइन है मतलब ये समझ लिया आप पैंसठ हज़ार की ये वॉशिंग मशीन है साढ़े दस किलो की इसकी रैम की बात कर लेते हैं आर एम पी की चौदह सौ आर एम पी है इसका हायर देन स्पीड स्पिन स्पीड लोअर द ड्राइंग टाइम इसकी प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं जो इसका प्रोग्राम है सिक्सटीन प्रोग्राम्स इसमें बताए गए हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस्क्रीन पर फाइव स्टार इसकी रेटिंग से स्टार के भी अलग से चार्जेस लगते हैं वारंटी की हम बात कर लेते हैं जो इसकी वारंटी है वो दो साल की है कम्पल सेसिव एंड टेन साल की इसकी वारंटी है मोटर की आउटर बॉडी जो इसका मटेरियल है वो प्री कोटेड मेटेलिक शील्ड है शीट है इसका जो टप मटेरियल है वो है स्टेनलेस स्टील की इसका फुल्ली मशीन का जो वेट है वो सेवेंटी के जी काफ़ी हैवी है कंट्री की हम बात कर लेते हैं कि कहाँ मेड इन चाइना है ये बाकी हम लुक एंड डिज़ाइन की बात कर लेते हैं काफ़ी खूबसूरत तो एंड ब्यूटीफुल है ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर काफ़ी अच्छा इसकी जो लुकिंग है डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी हाई टाइप की क्लासिक टाइप की इसकी बॉडी है ईजी टू यूज़ भी काफ़ी सिंपली है इसे आपने वापर जो आपको बकेट दिख रहा है उसमें आपको लिक्विड डालना है मोटर रोला की यूज़ कर रहे हैं मशीन तो आप इस पर इस्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मेड इन चाइना की है इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छी मेड इन इंडिया की ही ज़्यादातर कंपनी लें मेड इन जा, जापान की ये सब कंपनियाँ काफ़ी ठोस होती है जो कि आप नामी ग्रामी सुनते हैं इसमें काफ़ी चीज़ों के ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि आपको ज़्यादा इसमें सर्फ नहीं डालना है जिसकी वजह से झाक इसमें बहुत सारा होगा जिसके वजह से इसके जो ऊपर जो मोटर और वायरिंग्स है उसमें वो जा सकता है जिसकी वजह से मशीन ख़राब और डैमेज हो सकती है इसमें सिक्सटीन प्रोग्राम्स दिए गए हैं जो कि आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं मेरे यूज़ में तो ज़्यादा इसमें प्रोग्राम यूज़ आते नहीं हैं एट इ लीस्ट चीपेस्ट प्राइस में ये काफ़ी अच्छा ये आपको दे रहा है इसमें आपको 10 से 12 या 15 तक के कपड़े डाल सकते हैं आपको बस देखना है कि आप बटन या हुक लगा के जो भी आपका क्लॉथ है जो भी बेबी का है वो आपको डाल के गोल घुमा के इसमें डालना है इनके उससे ज़्यादा नहीं डालना है इससे आपकी मशीन ज़्यादा देर तक टिक जाएगी अच्छी चल जाएगी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग